आएगा। कहानी का नाम है संगीत बदले की आग, संगीत बदले की आग, उर्फ डाकू लाखन सिंह। राम सागर हरिहरपुर की तरफ से 10 रुपए भेजे हैं, कहा के कपड़ा उतरा तब। हाँ सारे इतने बताए दे साहिब होली बजान नहीं करे मीठे पर मिली बात। गोमान से ये साथी उगाने मुझे लगा दी मिटिया भैया बोलो और माफ कर दीजिए, और माफ कर दीजिए, कहना ये जो हमारा है। माफ कर दीजिए और कहना जो ये हमारा है, और गलबारी किया भूल भारी किया। गुमान सिंह तुम कहते माफ कर दो, अरे माफ कैसे करूं, अरे माफ कैसे करूं, अरे खेरी थता है बाप। और माफ कैसे करूं, और खेरी थता है भारी है, अरे उठाया नजर लड़की पे, लड़की पे और तेरी थताया। हेलो हेलो यह गए रामदास इसी गांव की तरफ से, ये 50 रुपए पार्टी में व्यवहार भेजा है भाई साहब के लिए, धन्यवाद। चल पहले तू अपने कपड़े उतार, आज तूने एक गरीब इंसान की इज्जत लीलाम करना चाहा। आए दादा सोनारी में यहाँ हुई, खोल कपड़ा उतार के मरी हो, कपड़े खोल कबले से मामा। आज तेरी माँ का दूध निकाल के अगर मट्ठा ना बना दिया तो हमारा भी नाम सकीना नहीं। तुम चाहे यहाँ मामा को बुलाओ और चाहे माई भी आ जाए, खता तुमने किया है भूतना तुमको हो। उतरीबा उतरीबा और तेरी हस्ती है क्या तू मिटाएगा, वो तेरी हस्ती है क्या जो मिटाएगा, सरकारी माँ का तू क्या चुकाएगा, हरिहरपुर की तरफ से। हाँ गोविंद हरिहरपुर की तरफ से, सोनारी की तरफ से ये 10 रुपए भेजे हैं। चैन पाएगा ना तू, चैन पाएगा ना तू, बच के जाएगा ना तू, तेरे घर का ही दीपक चला, तेरे घर का ही दीपक चलाएगा।
अरे भैया दिवाकर बाबू उतरी बा ये भैया आ तुम हूं मरवाई ले भाई तुमका तो सुबेरे मिली बात हम लट्ठू लेके प्रॉपर खड़े पुलियम खड़े हुई बा और हम का न मारो मर भैया और हम का न मारो मर बिटिया मैं कपड़ा उतार दे अरे कहने से लगे बोए लगिया मैं कपड़ा उतार दे मकान मालिक ई 10 रुपया दे रहे हैं कहा ते कपड़ा वो तारो भैने वैले कुछ हेलो हेलो ये आ गया कि सॉरी कहते भाई 10 रुपया ले लो हमारे भैया का अरे ऐसे सुनो 10 रुपया कहते हैं ले लो हमारे भैया का नंबर रहो रोवे लगा और तुम्हारे भैया के आगे खमासी में रितेश यादव हरिहरपुर की तरफ से 10 रुपया भेजे हैं कहा थे सियारा में कोई मारी नहीं तो सियारा में कहा कोई मारते कर्मा गति का बाबू भो गई जान यार मामा तुम सुनो ना सुनो नहीं सुने रहो तुम फिर से बोल दो सब ऐसी चट्टी तक उतरवा दी तुमने कहा होता हो चल उतार चट्टी उतार 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 साले उतरी बा भैया उतरी बा गोल कपड़े आज देख तू कितने तेरे हमदर्द है यहाँ पे आज तुझे मारते मारते साले पागल कर दूंगी उतार ये भी उतारो ये भी उतारो यहाँ उतारो उतारा तेरी तो नवास हो जाए नहीं चोर नहीं ठाकुर आज तुम्हारी ठगुराई तुमने भी गुमान सिंह तुम यहाँ से जिंदा जाना चाहते हो उठाओ कपड़े और पैर छूते हुए
पतली गली से निकल जा सकते हैं। पैर बाहर लाई सही बात। अरे हिया आ जाती हूँ मैं, तुम मर गयो। हिया 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 रे वरे वरे देखा तुम का छाण दिन जाई। एक काम करे परी है यो, इनका कहो जी जी और इनके पास लेकर जी जी माफ कर दो, और हमका कहो जीजा का भैया। इनका जी जी कहा पांच लो और छाड़ दे। रुक जा। और हमका कहा जी। अरे सुनो यार भाई जान, बुरे सुन, मेरे मजहब में पैर छूना हराम है, लेकिन मैंने तुझे माफ किया। जूता उठाओ, अपने खोपड़ी पे रखो, यहाँ से निकल लो। जूता उठाओ, अपने सर पे जूता रखो भैया। रे अब भैया बिटिया छोड़ दीजिए, और जूता उठा लिया छोड़ दीजिए, और जूता रख लिया खोपड़ी पर, और बिटिया भी छोड़े। और ये जब जूता रखे सब लोग ताली बजाना, ठीक है? रखो तेरी नाश हो जाए, रखो रखो रखो। अपनी खोपड़ी पे जूता रखो, ये तुम्हारी गुंडाई है, रखो। और बच गई मेरी जान बचा कोई उल्लू देखा, ए बच गई मेरी जान बचा कोई उल्लू देखा, ए हो गई कोई जानवर। चाचा लोग इसके कैसे में आ गए कि जो तुम्हारे साथ में तुम्हारे घर तक आ गया? अरे बेटा भाई जान बोलो, शायद तुम्हें मालूम होना चाहिए। हाँ। ये रोजाना मेरे अब्बू जान को बहुत परेशान करता है। आज जब ये मुझे देखा तो मेरे अब्बू जान को रस्ते में बांध कर खम्भे में बंधवा दिया, और ये चाइल हमसे अनाप शनाप बातें करने लगा। आज बहन कुछ समय की बात है कि जो मैं आज पिताजी से आज्ञा लेके आज ग्राम सभा में घूमने के लिए आया, तो मैंने सोचा अपना बहन से मिलते चलूं। आज जो मैं ना मिलते आता तो हो सकता मेरे बहन की इज्जत की तार तार कर देता। हे भगवान, आज इतना भगवान का शुक्र है जो राखी की लाज रख ली मैंने, और अपने लुटती हुई इज्जत अपने बहन की बचा ली। बहन आज राखी की लाज रख ली और अपने धर्म का भी पालन कर लिया, इससे बढ़ के हमारा सौभाग्य कुछ नहीं हो सकता है मेरी बहन। भाई जान बोलो, तुम्हारा तो ही सहारा है। जिस वक्त मैंने आप लोगों के हाथ में राखी बांधी थी, क्यों नहीं बहन? आप लोगों ने मुझे वचन दिया था कि हंसते हंसते तुम्हारे वास्ते अपनी जान तक दे दूंगा। जान की तो बात सोचो छोड़ दो बहन, ये लाखन सिंहता जिस दिन तुमने राखी बांधा ना, उस दिन पूरा शरीर ही त्याग कर दिया था। भाई जान ये शरीर अपने बहन की इज्जत न कर सका तो उस शरीर किस काम का, उस भाई किस काम का? बहन किस लिए राखी बांधती है मालूम है? सच कहते हो भाई जान। कि जब उसकी कोई घोर मुसीबत पड़े तो भाई, तो भाई उसका साथ दे। सच कहते भाई जान। हो भला किसी का कर न सके तो है बुरा किसी का मत करना, बस वो नहीं बन सकते हो तो काटे बन कर मत तो गए। अतुल कुमार लाइट मिस्त्री हरिहरपुर की तरफ से 51वें पार्टी में बिहार भेजा है भाई साहब के लिए, धन्यवाद। पर श्राम प्रधान का
नौकर चेयर लगाओ। कोई गेट पे आवाज दे रहा, देख के आता हूं कौन है। अरे बापू, आज मैं एक सिख बात बताना चाहता हूं। क्या कहना चाहते हो मेरे लाल? बापू बताओ। बापू बाबे सुनो, जा रहा हूं मैं बापू बाबे सुनो, पुलिस एक बेटे सूरे बनाया जा रहा हूँ, जा रहा हूँ मैं बापू बांदे सुनो, पुलिस फॉर्म भरा था उसमें मैं पास हो गया हूं बापू। जी हाँ, और ट्रेनिंग करने के वास्ते कल मुझे बॉम्बे में बुलाया गया है। सुनो मेरे लाल, प्रधानी का पद तो हमारे पास है ही, एक ख्वाहिश थी वो भी पूरी हो गई। मेरे लाल सुनो मेरी बात, और सुन ली दुआ बापू जाओ शौक से और जग में हमारा नाम रोशन करना। क्यों नहीं बापू, जिस तरीके से करो नाम जरूर रोशन करो। ठीक है मेरे लाल, अब जा सकते हैं। क्या बताएं दोस्तों? राम 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 राम। और कौन लोकर, क्या बात है? बात कोई ना है भैया, कहाँ गए? जाने हमारा बेटा सूरज पुलिस ट्रेनिंग के लिए बंबई गए हैं। ओ सिपाही बनी है? नहीं नहीं, पुलिस अफसर बने का दरोगा मेरे बेटा बने। तो अब जीता चहिबा वही का डरबा मार। अरे क्यों भैया, दरोगा हो जाए तो? जाने हमारा बेटा दरोगा हो जाएगा तो तुम किसी को मार डालोगे? नहीं, वो भी हमारी तरह जैसे प्रधानी चलाते हैं, सारी जनता की देखभाल करते हैं, इसी तरीके से हमारा बेटा अपना नाम रोशन करेगा और इंसाफ का पुजारी बनेगा। सच कहते हो? और प्रधान भैया चल चलो। क्या बताऊं,
ट्रेनिंग करने के वास्ते बॉम्बे में बुलाया गया है, लेकिन मेरा भाई लखन सिंह, अगर मैं उसे नहीं मिलता हूं तो मेरी याद करके वो बहुत उदास रहेगा। लेकिन सामने से मेरा भाई आ रहा है, बड़ी खुशी की बात। ओ मेरे भाई लखन भैया, आप बड़ा सर धज के कहीं जा रहे हो, जानना चाहते हो ना? हाँ भैया, अरे हो के तैयार भैया, क्यों नहीं कि एक साथ हम तुम खेले और अपने बच्चे के तरीके हमको साथ साथ में बिठाया, खिलाया पिलाया, आज अकेले जा रहे हो भैया लखन बोलो, तुम्हें मालूम होना चाहिए। हाँ हाँ भैया, कि वो बात मैं तुमसे बताने के लिए भूल गया था। बोलो भैया। जब मैं पुलिस इंस्पेक्टर का फॉर्म भरा था, हाँ हाँ, उसमें पास हो गया हूँ। पास हो गए हो और ट्रेनिंग करने के वास्ते मुझे बॉम्बे में बुलाया गया है। भैया बहुत खुशी की बात है, और जिस दिन तुम पुलिस इंस्पेक्टर बन जाओगे तो मैं वादा करता हूँ इस पतौंजा ग्राम सभा में हर घर में लड्डू और खुशियाँ खुशियाँ ही मनाऊंगा, और थाना मिश्रिक में जब कोई देखेगा तो इंस्पेक्टर सूरज का भाई लखन सिंह कहेगा। हो क्यों नहीं भैया, जिस वक्त में वर्दी निवास में आऊंगा, वर्दी मेरे कंधों के ऊपर होगी और कंधों के ऊपर मेरे सितारे चमकेंगे। क्यों नहीं भैया, उस वक्त कानून के अंडर में क्यों ना मेरा बाप भाई बहन कोई हो, सही कहते हो, मैं उसे अरेस्ट करूंगा। बिल्कुल भैया, हम लोग सच्चाई के ही पुजारी हैं भैया। हाँ हाँ, और हम भाई भाई लखन। बोलो मेरे भाई। चलता हूं, क्योंकि नहीं तो ट्रेन लेट हो जाएगी। और मेरे भाई, बोलो भैया, एक बात मेरी याद रखना। बोलो भैया, जो मैं बोल रहा हूं, हाँ हाँ, कि ऐसा कोई गलत काम मत करना, हाँ हाँ, जो कि मुझे मजबूर होना पड़े। नहीं भैया, मैं आपसे वादा करता हूँ आपकी ही शिक्षा के अनुसार कार्य करूंगा और अपने पिता का नाम डुबाने नहीं दूंगा। क्यों नहीं भैया, बोलो, अच्छी अच्छी पढ़ाई करना। क्यों नहीं भैया, और अच्छे अच्छे रास्तों पे चलना। सही कहते हो मेरे भाई। ठीक है भैया। हाँ हाँ, चल भाई गया है और हम भी चलते हैं घर की तरफ, देखते हैं पिताजी क्या करते हैं।
द्वारपाल मालिक। अभी तलक हमारा बेटा गोमान सिंह गया था चुम्मन मियाँ को बांधने के लिए, लेकिन नहीं आया है। आओ ठीक है, मैं अपने बेटे गोमान सिंह का इंतजार करूंगा। आओ बैठो मालिक। पिताजी, तुम्हारा बेटा गुमान सिंह। और पतला बेटा क्यों गमगीन, पतला बेटा क्यों गमगीन, वहां क्या बना नहीं रहे। चुम्मन मियाँ को बांध कर लाया नहीं, सर झुकाए नीचे खड़ा, मुख से नहीं बतला रहा। बतला बेटा क्यों कम की, वहां क्या बना नहीं। चुम्मन मियाँ को बांध कर क्यों नहीं लाया है और यहाँ पर उदास खड़ा है बेटा, क्या बात है? पिता और पूछो ना दिल का अपने हाल, आखिर क्या हुआ है मेरे लाल। ना पूछो दिल का मेरे हाल, हुआ क्या गुमान सिंह के के। मैं घर गया, वहां से उसको जकड़ लिया। फिर क्या हुआ? जो मन घर के घर गया, वहां मैं उसको जकड़ लिया। कहूं क्या कहा ना मुझसे जा, कहां सुन रहा हूं क्या कहा ना मुझसे जा। पिताजी क्या कहा? जिस वक्त पतंजलि में मैंने पहुंचा, फिर चुम्मन मियाँ को तो मैंने रस्से से जकड़ लिया। फिर क्या हुआ? वहां पर उसकी बेटी सकीना आ गई और सकीना का साथ देने वाले पतंजलि के कम 5-10-50 लोग इकट्ठा हो गए। क्या? वो हमें बिल्कुल के लिए रस्से में जकड़ के हमें मारना चाहा। मार खाने से पहले मैं वहां से दफा होकर भागते चला आया है। फिर लेकिन आज सोचा जाए, जाओ पर तुम्हारा नाम लिया जा रहा है। हर एक इंसान की गुस्सा ज्यादा बढ़ती जा रही है। तो क्रोध को अपने पास में सदा तुम रखो, क्रोध बस में सदा तुम रखो, क्रोध ज्यादा बढ़ा मात खा जाओगे। खामोश बैठो मेरे लाडले, इसके बारे में कोई तो डर बगैर ताब दे बेटे को हो पिता डर बगैर। ताब दे हो पिता, बल्कि आदेश मुझको जो मिल जाएगा, लाशों को ढेर लगना मैं करूं। जबकि पता हो जाए तो इस तरह से नहीं, क्रोध